ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उनको रक्षक बन करके, भक्षक नहीं, शोषण करके नहीं, हिंसा करके नहीं, भयोत्पादन करके नहीं, दूसरों को डरा के धमका के नहीं है। आजकल दुनिया कह रहे थे डरा रहा है, धमका रहा है, भया क्रिएट कर रहा है, उसके कारण से कुछ लोग कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, परंतु बाबा ने नहीं, रक्षक बन करके, सेवक बन करके। ब्रह्मा बाबा में क्या लिखता था, मैं विश्व सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ। शिव बाबा भी कुछ कहते हैं, मैं तो बच्चों की सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवक। ये भावना बाबा ने पैदा करके उस भावना के बल से सारे विश्व को जीता दिया। अभी थोड़ा चंद दिन का बाकी है तपस्या का, परंतु साइलेंस इज पावर कहाँ जाते हैं, स्पीच इज सिल्वर कहाँ जाते हैं, साइलेंस को गॉड, साइलेंस इज गोल्ड कहाँ जाता है। इसके लिए बाबा ने साइलेंस के माध्यम द्वारा शक्ति को प्रदान करके हम सब को विश्व का मालिक बना रहे। ऐसी मान आस्ती को हम सब फॉलो करें, उसको केवल फेस्टिवल बनाना व दिन आचरण करना व उनकी बातें दूसरों को सुनाना तो ठीक बात है, परंतु जीवन में धारण करके जैसे बाप समान, बी टावर ऑफ लाइट, बी टावर ऑफ माइट, बी टावर ऑफ पीस, बी टावर ऑफ लव, बी टावर ऑफ हैप्पीनेस, ऐसी शांति दूत बन करके, स्तंभ बन करके, चैतन्य फरिश्ता बन करके रहे, यही बाबा का मैसेज है। हम सभी इस बात को स्वीकार करते हुए रोज नित्य अभ्यास करते हुए दुनिया को भी जल्दी से जल्दी पवित्र बना करके पवित्र दुनिया को स्थापन करें, ऐसी कार्य में जुड़े हुए आप सब बहुत बधाई, दादी को भी बहुत बहुत बधाई। मुझे बहुत खुशी हुई माँ सरस्वती के साथ साथ आपने बहुत समय व्यतीत किया, और ब्रह्मा बाबा खुद यहाँ आने के बाद में उन्होंने जो मकान की फाउंडेशन खुद में अपनी करण कमल द्वारा ईट लगाया था, आज कितना वाटर वृक्ष बना हुआ बना है ना, एक सिर्फ एक जगह में नहीं है, बहुत जगह में, अभी 13-14 डिस्ट्रिक्टों में सेवा केंद्र है। मैं देख रहा था अभी दादी का 104 ईयर्स व्यू है, बहुत सेंटर खोलने के लिए, एक दो कुछ सेंटर खोलने के लिए दादी नहीं जा सका, लोग आकर के टेबल उधर ही एक बोर्ड लगा करके दादी से रिबन कटवा के बिल्डिंग ही ना गए। कुछ दूसरी बहनें आए, ईट लेकर के आए, दादी हमारा सेंटर का फाउंडेशन लगाना, एक ईट लगाना, इन्होंने उधर ही मट्टी लेके आया, एक वो लेके आ करके दादी से एक ईट लगवा दिया, मट्टी लगवा दिया उधर ही क्या। मैंने देखा बड़ों के हस्त से जो काम होता है ना, कितना पुण्य का उनका अनुभव हो रहा है, और उसका साथ साथ उसका सिद्धि, वो कहते हैं सिद्धि हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा। क्यों बल जल्दी बनेगा भैया, वो तो एक हाथ में ग्लास उठाना मुश्किल है, पत्थर उठाना मुश्किल है, परंतु उसका उसका चरित्र से, उसका चलन से, उसकी धारणा से, उनकी जो दृष्टि से, वृत्ति से समाज परिवर्तन हो सकता है, इसका प्रूफ अभी हमारा सामने बहुत लोगों को देखा मैंने। दादी प्रकाशमणि को मैंने जीवन में देखा, उसको किसी का दृष्टि मिलता है उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है, चलते चलते भी उसका दृष्टि मिलता है तो खुशी मिल जाता था। उन्होंने मेरा संकट ठल गया, मेरा दुख दूर हो गया, मेरा कल्याण हो गया, मेरा जीवन उत्थान हो गया। मैंने बहुत लोगों से मैंने ये बात सुना, ये सच्चाई है। लोग तो इसके लिए संतों को कहते हैं ना, घर में आते हैं तो उनका उनके पास कुछ ही नहीं है, परंतु उनका चरण रखते हुए थे कल्याण होता। माना बाबा ने हमारे पवित्रता की इतनी महानता की शक्ति दिया, जो पवित्रता की बल से विश्व में एक स्वराज अधिकार, केवल खुद के लिए अधिकार नहीं है, सारे विश्व की आत्मा को एक स्वराज दिला सकते, स्व का राज्य दिला सकते।